Let's go. Hello guys. Viraj. Hi, welcome back to Sevi Diaries. So we are at Abhay Manor, which is in Ghanerao. It's near Udaipur. This is a leopard territory. हमारा विला बिल्कुल लेपर्ड टेरिटरी के बीच में है और लेपर्ड्स नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं रणकपुर फॉर सफारी. Yes, let's go. तो आज इनके वीरेंद्र सिंह जी साथ जा रहे हैं. हाँ जी, तो ड्राइवर प्लस गाइड भी है, तो नॉलेज वाइल्ड लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस ड्राइवर है. कल भी यही रहेंगे, स्पेशल खुद की ट्रैवल एजेंसी है. ठीक है, ड्राइवर भेजते हैं. मैंने बोला कि सर आ रहे हैं ट्रिप, तो आप ही आइए. ठीक है, ये आए. ठीक है, इधर ये छतरी में. हाँ, ये देखो. जा रहे हैं बिल्कुल. अच्छा, हम अभी जवाई जा रहे हैं, उसके आसपास नहीं जा रहे हैं. जवाई जैसा ही पैदल है, पर जवाई नहीं जा रहे हैं. ज़्यादातर आपने 1000 सफारी कर रही है, आपकी जितनी नहीं कर रहे हैं. इतने 61 कर रही है. कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट. हम लोग यहाँ पर स्पेशली जवाई के लिए आए थे, जहाँ पर लेपर्ड्स देखे जाते हैं, लेकिन हमें वीरेंद्र देव सिंह जी ने बताया कि वो हमें जवाई नहीं लेके जा रहे, वो हमें लेके जा रहे हैं रणकपुर, जिसका टेरेन जवाई जैसा ही है. तो अभी हम लोग एक राजस्थान के विलेज में से निकल रहे हैं. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमंस और लेपर्ड्स को एग्जिस्ट करते हैं. लेट्स सी, अभी तक तो मैंने सुना था ये सब कुछ, अब हम लोग पहली बार देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लेपर्ड्स के साथ में लोग रहते हैं. यहाँ भी अच्छी बारिश हुई है, तो यहाँ भी काफ़ी पानी सब जगह भरा हुआ है. हमारा विराज एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा सफारी के लिए, लेपर्ड्स देखने के लिए, क्योंकि वो अभी साउथ अफ्रीका 1 महीना रह के आया था. तो इज़ रियली एक्साइटेड टू सी लेपर्ड्स हियर ऑल्सो. वहाँ पर तो उसने बहुत सारे लायंस देखे हैं, लेपर्ड्स देखे हैं, चीतास देखे हैं, एलिफेंट्स देखे हैं. नाउ ही विल बी सीइंग लेपर्ड्स हियर. विराज, अगर आप लकी हैं तो आपको लेपर्ड्स कहीं भी दिख जाएंगे यहाँ पर. और अभी हम लोग बिल्कुल कोर में जा रहे हैं जहाँ पर लेपर्ड्स हमें दिखेंगे ही, ऐसा हमें बोला गया है। चांसेज आर 95% टू सी लेपर्ड्स यार, क्योंकि 100% तो कुछ होता नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू बी रियली लकी। सो दिस इज द एंट्री गेट फॉर दिस रिजर्व एरिया। लेपर्ड्स के लिए कोई एंट्री गेट नहीं है, वो तो कहीं पर भी घूम सकते हैं। इट टुक अस 1 hour टू रीच हियर। वी स्टार्टेड एट 4:39 PM फ्रॉम अ विला एंड 5:39 नाउ। तो हम लोग रिजर्व एरिया के अंदर आ चुके हैं, और लेकिन हमें यहाँ पे बफेलोज भी दिख रही हैं और यहाँ पे लोग भी दिख रहे हैं। तो ना आई कैन इमेजिन कि कैसे ह्यूमंस और लेपर्ड्स यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सफारी। हमने आज तक ऐसे सफारी नहीं की है। जब भी आप किसी सफारी के लिए जाते हैं तो हमें प्रॉपर रूट्स होते हैं कि आप इस पर्टिकुलर रूट पर ही जा सकते हो, या ये पर्टिकुलर पाथ है आप उससे उधर ही जा सकते हो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे रास्ते हैं। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल वाइल इन द व्हीकल, क्योंकि आसपास बहुत कांटे वाले झाड़ भी होते हैं। सो बी केयरफुल एंड एन्जॉय दिस ड्राइव। यहाँ जो इस तरह की सफारीज होती हैं, दे डिवाइडेड टू 2 parts। एक जो पार्ट होता है, जो पहला जो पार्ट होता है उसमें एडवेंचर राइड होती है, जिस तरीके से आपको असेंड करके हिल पे लेके जाते हैं एट 45 डिग्री, एंड रियली वेरी स्केरी। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें फिर हम लोग लेपर्ड्स देखते हैं। सो दिस इज हाउ वी असेंड द हिल हियर। तो अभी हमें इस हिल के ऊपर आने पर भी कोई लेपर्ड दिखाई नहीं दिया है। सो अगेन वी आर डिसेंडिंग। Now again we are on another hill ascending at 45. Let's say it's 45 to 70 degree. आप कुछ भी हो सकता है, and we'll be on the top of this place. देखो थोड़ा सा फ्रंट होके विराज लेपर्ड। अभी थोड़ा टाइम है, अभी सो रहा है वो। देखो देखो देखो, इट्स रियली ब्यूटिफुल। आपको पूरा यहाँ से जो रणकपुर का एरिया है और जो जंगल आपको दिखता है सो ब्यूटीफुल, आप ऐसा लगता है बिल्कुल टॉप पर है एंड यू गेट टू सी सच ग्रीनरी हियर। We looked for leopards here also and we couldn't find any leopard here again, so we are again descending. Wow, thoda baad mein nikalna hai kitne percent. This is the first time we are experiencing this काइंड ऑफ थ्रिलिंग सफारी जहाँ पर कि इस तरीके से असेंट करते हैं हम लोग हिल पे एंड देन वी डिसेंड ऑल्सो, और उसके बाद में वाइल्ड लाइफ जो आपका फेवरेट पार्ट है वो तो होता ही है, बट ये जो एडवेंचर वाला पार्ट है दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सफारीज वी हैव डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बाइक्स वगैरह किसकी होंगी? बाइक्स एंड स्कूटर लड़के आते हैं स्नान करने या पानी का झरना देखो। जो हमारे साथ नेचुरलिस्ट हैं, हमारे गाइड हैं, वीरेंद्र देव सिंह इज रियली एक्सपर्ट। द वे ही असेंडेड द व्हीकल एंड देन डिसेंडेड द व्हीकल, इट वाज रियली अमेजिंग। ही इज रियली एक्सपर्ट। पहले हमें वो लेके गए थे हिल के ऊपर सो दैट वी कैन सी लेपर्ड्स फ्रॉम देयर, बट वी कुडंट फाइंड एनी लेपर्ड ऑन द हिल एंड नाउ वी आर गोइंग टू द अदर पार्ट ऑफ दिस एरिया वेयर वी कैन सी लेपर्ड्स। ये होता है फिर इसी पाथ से गए थे क्या हम? एक आध बार और चढ़ेंगे क्या ऊपर? नहीं हो गया चढ़ने का, और कहीं नहीं। ओह दिस पीकॉक दिस प्लेस इज रियली ब्यूटिफुल। एक तो ये इतनी रॉ है, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिख रहा है अभी हमें, तो वी आर रियली प्रिविलेज्ड कि हम लोग यहाँ पर इस समय पे हैं जब ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं या फिर ये नेचर है यहाँ पर। यहाँ जो भी ड्राइवर है उनके ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और जिस तरीके से वो हिल्स पे लेके जाते हैं एट सच अ डिग्री, पूरा असेंड कराते हैं एंड देन दे डिसेंड द व्हीकल ऑल्सो, और लेपर्ड्स भी इन्हीं हिल्स पे रहते हैं। We are still searching leopards। अभी 6:37 PM हो चुका है, तो ऑलरेडी बीन 2 hours। अभी दिन था तो लेपर्ड दिखने के थोड़े चांसेस कम होते हैं। जैसे जैसे सनसेट होता है, थोड़ा दिन ढलता है, तो फिर उनकी एक्टिविटी थोड़ा बढ़ती है एंड देन देयर चांसेस टू सी देम। तो इसलिए जो एडवेंचर राइड थी वो फर्स्ट पार्ट में हो जाती है इवनिंग सफारी में, सो दैट आप सेकेंड पार्ट आप लेपर्ड देख सको आप। और सेम अगर यही मॉर्निंग में आप करते तो मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर लेपर्ड्स पहले हम लोग लेपर्ड्स देखने पहले निकलते हैं एंड देन वी डू द एडवेंचर राइड। दूसरी गाड़ी कहाँ निकली है फिर? तभी हमें यहाँ पे एक व्हीकल दिखा है जहाँ पे लोग हैं एंड चांसेस आर दैट देयर आर लेपर्ड्स हियर। और बता रहे हैं यहाँ पे एक लेपर्ड अपने कब्स के साथ में है। दिख रहा है? दिख रहा है सर? नहीं। So we just had a glimpse of leopard with its cubs। हमें अच्छे से नहीं दिख पाए यहाँ पे, सिर्फ ग्लिम्प्स हमें दिखा है। But we have got the information that there is a leopard on the other side of the road। वो ग्रीन झाड़ के उस स्पेस में घुसा हुआ है। ये सर पत्थर पे ये देखिए, इधर ही देख रहा है। क्या देख रहा है? ये पत्थर डर से ये वाली ये जो डबल पत्थर है यहीं पे जूम करके देखिए। यस, देयर यू सी अ लेपर्ड ऑन अ बिग रॉक देयर। I've never seen a leopard like this। आप मतलब इस तरीके से हिल्स पे रॉक्स के पास में मैंने लेपर्ड आज तक नहीं देखा है। पकड़ना मैंने It's a male leopard। अभी ये नीचे आया है, नीचे जा रहा है। ऐसा नजर आ रहा है चाहे आप लोगों को नहीं, फिर ये तो आराम से इसके साइटिंग अच्छी होगी। गाड़ी का आगे है, बाइक से डिस्टर्ब होना इधर से आगे जाने। हां बाइक आ गई, ये उतर भी वो कपड़े। अब इससे ज्यादा अच्छी साइटिंग क्या हो सकती है? इवनिंग टी के साथ में यू गेट टू सी अ लेपर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टॉप ऑफ द हिल। हम बैठे हैं जल्दी पकड़ो मत भैया, पीछे वो पत्थर के पीछे फीमेल है। तो अभी लेपर्ड हिल से नीचे आकर एक विलेज की तरफ चला गया है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर विला। इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग डे फॉर अस। हम लोग अजमेर से स्टार्ट हुए थे। वी रीच्ड आवर विला एट 3:30 PM एंड देन वी स्टार्टेड फॉर अ सफारी एट 4:40 PM। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने विला के लिए टू गेट रेडी फॉर अनदर सफारी इन द मॉर्निंग। So see you in the next vlog. Thank you. Raj, we are back. तीन बच्चों वाले तो फीमेल और वो प्रॉपर नहीं दिखता, मेल प्रॉपर निकल गया।